स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही है, अभी फिलहाल लॉकडाउन के कारण मेरे जो सारे ट्रैवल प्लान्स है वो फ़िलहाल मैंने पोस्टपोन कर दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में मेरा जो ट्रैवल बकेट लिस्ट है, जो प्लेसेस मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, बकेट लिस्ट मतलब वो जो एक्सपीरियंसेस और जो अचीवमेंट्स एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस से अचीव करना चाहता है, तो मेरे ट्रैवल जर्नी में, मेरे ट्रैवल बकेट लिस्ट में जो जो प्लेसेस मैं विज़िट करना चाहता हूँ वो टॉप 10 प्लेसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंसेस मैं अपने कैमरा में कैप्चर करने वाला हूँ आने वाले समय में, तो आप इन्जॉय कर सकते हैं मेरे साथ। मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, इसके वो आपको इस जगह ट्रैवल करने के लिए आप लोगों का काम आएगा, आप लोगों को भी इंस्पायर कर सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल आइकॉन। फर्स्ट प्लेस जो मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ मेरे माइंड में है वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड प्लेस माइंड में आते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, सीनिक ब्यूटी, स्नोई आल्प्स माउंटेन, ये सब माइंड में आता है। और ऑफ कोर्स हमारे मूवी DDLJ में जब से हाईलाइट किया गया है स्विट्ज़रलैंड जैसे प्लेस को, तब से इंडियंस स्विट्ज़रलैंड की तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ वो टूरिस्टिक प्लेसेस घूमने का एक मकसद नहीं है, मैं जो स्विट्ज़रलैंड के रूरल प्लेसेस हैं जहाँ पे कार एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है वो सब प्लेसेस मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वैसे मेरा टूर आइटनरी रहेगा जिनीवा से लेकर ज्यूरिख तक, जहाँ जो जो प्लेसेस मैं कवर करना चाहता हूँ ड्यूरिंग माय विजिट टू स्विट्ज़रलैंड वो है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जिनीवा से, इंडिया से जिनीवा, उसके बाद मैं बर्न कवर करते, आफ्टर बर्न जर्मत कवर करना चाहता हूँ, उसके बाद यूनफ्रे जो यूरोप का टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है यूनफ्रा कवर करना चाहता हूँ, उसके बाद इंटरलाकन होते हुए लूसर्न, माउंट पिलेटिस और उसके बाद ज्यूरिख। जो वहाँ का ग्लेशियर एक्सप्रेस है वो ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा अपने आइटनरी में। नंबर दो जो मेरे बकेट लिस्ट में है, जो मैं विज़िट करना चाहता हूँ वो है, एक्चुअली ये दो जगह है लेकिन मैं इसको मर्ज कर दिया हूँ क्योंकि ये दो कंट्री के स्पेसिफिक दो प्लेसेस मैं कवर करना चाहता हूँ। तो इफ़ आई गो टू दिस प्लेस, मैं कोशिश करूँगा आइटनरी में ये दो एक साथ रखूँ और मेरे हिसाब से हो जाएगा। ग्रीस में पर्टिकुलरली सेंटोरिनी एक एजियन सी का एक आइलैंड है, एजियन सी में, जहाँ पे वाइट वॉश्ड क्यूबिकल फॉर्म्स जो उनका घर है, जो वो फीरा और ओया जो दो सिटीज़ है उसमें, जो आप मैक्सिमम जो फ़ोटोज़ में देखते हैं वो फीरा और ओया का ही फ़ोटोज़ होता है, वो दो सिटीज़ में उसकी खासियत है, वाइट वॉश्ड क्यूबिकल फॉर्म्स, क्यूबिकल हाउसेस, बीच साइड। हिस्ट्री मुझे वैसे ही पसंद है तो ग्रीस विल बी अ ग्रेट ट्रैवल डेस्टिनेशन फॉर मी आई गेस। उसके बाद मैं ग्रीस से कवर करना चाहता हूँ स्पेन, लेकिन स्पेन बहुत बड़ी जगह है तो पूरा स्पेन मैं बकेट लिस्ट में ये नहीं रखना हूँ, लेकिन हालांकि स्पेन एक बहुत अच्छी जगह है, कंट्री साइड स्पेन इज़ ए मस्ट विज़िट इफ़ यू आर गोइंग टू स्पेन, लेकिन मैं विज़िट पर्टिकुलरली करना चाहता हूँ इबीज़ा स्पेन। ये एक इज़ वन ऑफ स्पेन्स बलेरिक आइलैंड, इज़ मेनली फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ एंड पार्टी कल्चर। जो जितने भी यूरोपियन नाइट क्लब, यूरोपियन हैपनिंग नाइट क्लब से उसका समर आउटपोस्ट सब इबीज़ा में है बिकॉज ऑफ दिस पार्टी कल्चर, एंड बैकपैकर्स के लिए इट्स वेरी गुड प्लेस टू विज़िट। नंबर थ्री मेरे लिस्ट में है द फिलीपींस, लेकिन फिलीपींस मैं कवर करना चाहता हूँ विथ सिंगापुर। रीज़न बींग के फिलीपींस का डायरेक्ट वीज़ा इंडिया से थोड़ा डिफ़िकल्ट है मिलना, डिफ़िकल्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर वर्क ज़्यादा है,
लेकिन अगर आप सिंगापुर वीज़ा ले लेंगे मल्टीपल एंट्री, तो फिर इंडियंस के लिए फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है। तो इसलिए मैं सिंगापुर के साथ कंबाइन करके फिलीपींस विज़िट करना चाहता हूँ। मेरा आइडियल आइटनरी रहेगा 16 डेज़ का, उसमें मैं 2 दिन सिंगापुर में बिताना चाहता हूँ। 2 दिन में आई थिंक मैं कवर कर सकता हूँ सिंगापुर को, बिकॉज़ आई विल बी फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता। सो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके मैं अगर पहुँच जाता हूँ सिंगापुर, तो आई कैन यूटिलाइज दैट फुल डे। तो उस दिन मैं नाइट सफारी एंड मरीना बे सैंड ये सब कर लूँगा। नेक्स्ट दिन मैं यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोसा आइलैंड कवर कर सकूँ। हालांकि इलाबोरेटली कवर नहीं होगा, लेकिन 2 दिन में भी आप सिंगापुर कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग मैं मनीला के लिए फ़्लाई करना चाहता हूँ। मेरा मेन टारगेट रहेगा वहाँ 14 से 15 डेज स्पेंड करने का। उसमें मैं कवर करूँगा मनीला सिटी, मनीला सिटी से सीबू, सीबू सीबू में अगर जाएँ तो वहाँ ओस्लो पर डुमगिटी कवर हो जाएगा। सीबू से डायरेक्ट पालावन, पालावन में पालावन सिटी पोर्टो प्रिंसेसा एंड एल नीडो कवर हो जाएगा। एल नीडो से बोरकाई, बोरकाई इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर पार्टी एंड बीच लवर्स। बोरकाई में कुछ दिन स्पेंड करने के बाद बैक टू मनीला। तो ये पूरा आइटनरी मैं 14 डेज में कंप्लीट आई थिंक कर सकता हूँ विद 2 डेज इन सिंगापुर। नंबर चार, चार मेरे बकेट लिस्ट में है इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड यू कैन से मॉलडीव्स। मॉलडीव्स एक स्मॉल आइलैंड नेशन है साउथ एशिया पे। बेस्ट टाइम यहाँ बेस्ट टाइम ट्रैवल का रहता है नवंबर टू अप्रैल, जब बारिश कम रहता है, विंटर सीजन रहता है और आपको क्लीन वेदर मिलेगा। बीचेस के लिए फेमस है, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। एक अगर जाना है तो मैं पर्सनली अगर जाऊंगा तो मैं वादू आइलैंड ज़रूर कवर करूंगा, जो फेमस फॉर इज ग्लोइंग बीच। तो मॉ नाइट टाइम में अगर जाएंगे तो वादू आइलैंड में आपको ग्लोइंग बीचेस मिलेंगे। तो ये एक ट्रैवलर के लिए ये तो बकेट लिस्ट में मस्ट है। नंबर पाँच मेरे आइटनरी में है इजिप्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हिस्ट्री मुझे पसंद है, तो हिस्ट्री जिसको पसंद होगा वो बिना पिरामिड या इजिप्ट बिना जाए अपना ट्रैवल बकेट लिस्ट कंप्लीट नहीं कर सकता। तो जब से ये मूवी मम्मी मैंने देखा है, और ये सिटी जो हमुनात्रा, हालांकि वो एक इमेजिनरी स्टोरी था, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर मैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, टेंपल ऑफ लक्सोर, नाइल क्रूज ये सब करूँगा, तो मुझे ये फील होगा मैं वो मूवी रिलीव कर रहा हूँ। तो मैं ज़रूर कवर करना चाहता हूँ ये जगह। नंबर 6 नॉर्वे। आपको अगर नेचुरल ब्यूटी पसंद है और आपके माइंड में नॉर्दर्न लाइट्स जिसको ऑरोरा बोरोविल्स कहते हैं वो है, तो नॉर्वे तो मस्ट विजिट है। कैपिटल सिटी ओस्लो। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए अपने बजट ट्रैवलिंग के लिए। नॉर्दर्न लाइट्स तो फेमस ही है, तो अगर नॉर्दर्न लाइट्स अगर एक ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में नॉर्दर्न लाइट्स अगर नहीं रहेंगे तो फिर यह तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं नॉर्वे ज़रूर कवर करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ इस पिक्चर्स की लैंडस्केप्स एंड ऑफ कोर्स द नॉर्दर्न लाइट्स। नंबर मेरे लिस्ट में है, यह नंबर 7 में ज़रूर रखा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये शायद मैं 9 या 10 में, अगर क्रोनोलॉजिकली मैं सजाऊं कि मैं कौन कौन सी जगह पहले जाना चाहता हूँ, तो शायद ये 9 या 10 में रहेगा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व। लास वेगास, एक्चुअली सिर्फ लास वेगास ही नहीं, मैं एक रोड ट्रिप करना चाहता हूँ अक्रॉस क्रॉस कंट्री US का, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को टू न्यूयॉर्क। उसमें कवर होगा ला उसमें कवर हो जाएगा लास वेगास, ग्रैंड कैनियन, न्यू ऑर्लीन्स, नैशविल, Washington DC, उसके बाद न्यूयॉर्क। तो लास वेगास मैंने जैसे मूवीज़ में देखा है, फ़ोटोज़ में देखा है, तो एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है। नियॉन लाइट्स, मॉर्निंग से नेक्स्ट मॉर्निंग तक गैम्बलिंग, सीज़र पैलेस में एटलीस्ट 1 नाइट स्पेंड करना, ये सब एक ड्रीम होता है।
हालांकि ये बजट ट्रिप नहीं होगा, लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस। रोड ट्रिप के एंड में न्यूयॉर्क में जाके टाइम स्क्वायर में एक फ़ोटो खिंचवाना, एक इंस्टाग्राम मोमेंट, ये तो सबके लाइफ का एक ड्रीम होता है। मतलब ऐसा है कि आप न्यूयॉर्क में जाके अगर टाइम स्क्वायर में एक फ़ोटो खिंचवा ले तो अलग फीलिंग आता है, क्या जैसा आपने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। 8 नंबर मेरे लिस्ट में जो है वो है लैटिन अमेरिकन कंट्री में, वो है पेरू में सिचुएटेड माचू पिचू। माचू पिचू एक इंका डायनेस्टी का सिटाडेल है, 15th सेंचुरी में बिल्ट, सदर्न पेरू में है। इसकी खासियत है ये पूरे स्टोन से बनाया गया है, कट स्टोन से, विदाउट एनी मोटर। मोटर मतलब जैसे कि आज हो गया सीमेंट हो गया जो जोड़ता है दो ब्लॉक्स, मतलब एक कंस्ट्रक्शन को, तो ये कंस्ट्रक्शन विदाउट एनी मोटर बनाया गया है, ओनली कट स्टोन से, इंका डायनेस्टी में 15th सेंचुरी में, जो अभी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो ज़रूर मैं विज़िट करना चाहता हूँ ये ऐसी प्लेस, क्योंकि हिस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया, हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं पेरू में ओनली माचू पिचू इंक्लूड कर रहा हूँ इसके, इसलिए मैं और एक प्लेस लैटिन अमेरिका में इंक्लूड करना चाहता हूँ मेरे बकेट लिस्ट में, जो मैं कवर कर सकता हूँ इस प्लेस के साथ, वो है उयुनी सॉल्ट फ्लैट्स इन बोलीविया। अगर आपने सुना है वर्ल्ड्स नेचुरल मिरर क्या होता है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल में, तो फिर आपको ऐसे पिक्चर्स की, जो वीडियोस, पिक्चर्स की जो इमेजेस मिलता है वो है उयुनी सॉल्ट फ्लैट्स का, जो बोलीविया में है, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है। एक्चुअली ये एक प्री हिस्टोरिक लेक था जो ड्राई अप हो गया है अभी फ़िलहाल, उसके बाद वो करीब करीब 11,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आप लापास सिटी से उयुनी सिटी तक फ्लाइट ले सकते हैं, और उयुनी सिटी से यहाँ उयुनी सॉल्ट फ्लैट्स के लिए डे ट्रिप होता है। तो ये ज़रूर मैं कवर करना चाहता हूँ, ये दो प्लेस इन लैटिन अमेरिका। 9th नंबर में मैं जो प्लेस कवर करना चाहता हूँ वो थोड़ा हॉड है, शायद बहुत सारे लोगों को ये, मतलब ये क्रूज़ के बारे में या फिर ये प्लेस के बारे में सोचते भी नहीं है। क्रूज़ मतलब सभी लोग कैरेबियन क्रूज़ सोचते हैं या फिर ग्रीस में क्रूज़ सोचते हैं, लेकिन मैं जो क्रूज़ करना चाहता हूँ वो है एंटार्क्टिका क्रूज़। यस, एंटार्क्टिका क्रूज़, ये शुरू होता है अर्जेंटीना से, आप ब्यूनस एरिस तक जा सकते हैं। ब्यूनस एरिस में कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, वहाँ से आप उशाया जो सिटी है वो, जिसको नॉर्थ साउदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है, उशाया, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उशाया, वहाँ से आप क्रूज स्टार्ट होता है जो अंटार्कटिका एरिया कवर करता है। ये मैं सबसे लास्ट में यूँ रख रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रिप है बहुत कॉस्टली होता है, तो अभी तो फ़िलहाल इतना कॉस्ट अफोर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने नेशनल ज्योग्राफिक का जो क्रूज़ होता है यहाँ का, नेशनल ज्योग्राफिक ओरियन क्रूज़, वो चेक कर रहा था, तो इट कॉस्ट अराउंड $48,000 पर पर्सन, तो 3.5-4 लाख का मामला है एक पर्सन का। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो जो प्लेसेस आपको कवर करने को मिलेंगे, जो वाइल्ड लाइफ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आप कहीं भी नहीं देख सकते। और तो ये ज़रूर प्लेस मैं कवर करना चाहता हूँ अपने लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक प्लेस जो है मैं ज़रूर कवर करना चाहता हूँ, वो है मेरे इंडिया में ही, वो है लेह लद्दाख बाइक ट्रिप। यस, ये बाइक ट्रिप मैंने अभी तक नहीं किया है अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए मैं बकेट लिस्ट में रखा हूँ। मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ मनाली से, मनाली टू ले, वो है जिसपा जो ब्राइव जो रूट होता है वो, तो ज़रूर मैं आई होप मैं ज़रूर कवर कर लूँगा ये बाइक ट्रिप। आप इन द मंथ ऑफ मई जून ही बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रोड्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, स्नोफॉल चालू हो जाता है रेनी सीजन में, तो इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आप ये टूर करना चाहते हैं तो मई जून महीने में। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जो मैं कवर करना चाहता हूँ, जो मेरे ये बकेट लिस्ट में मैं इंक्लूड नहीं किए हूँ, और मैं कवर करूँगा। ये ऐसा नहीं कि मैं लाइफ टाइम में ये 10 ही प्लेस कवर करूँ,
बहुत सारी जगह हैं, इंडिया में भी बहुत सारी जगह मैं कवर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में और 3 प्लेसेस हैं जो मैं ज़रूर कवर करना चाहता हूँ। मैं बकेट लिस्ट में नहीं रखा हूँ क्योंकि ये टॉप 10 है, लेकिन विदाउट मैंशनिंग देम इट विल बी अनफेयर बिकॉज मेरे ये दिल के बहुत करीब है। फर्स्ट पोर्टो रिको। पोर्टो रिको एक कैरेबियन आइलैंड है, फेमस फॉर इट्स सैंडी बीचेस एंड लैटिनो कल्चर्स। मुझे लैटिनो कल्चर बहुत पसंद है, तो ज़रूर मैं ये पोर्टो रिको विज़िट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है एक आइलैंड नेशन है सेशल्स, मैं ज़रूर विज़िट करना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ इट प्रिंसटीन बीचेस एंड सी का नेचुरल ब्यूटी, रिच कोरल रीफ्स, ऑसम सी लाइफ। ये अगर देखना है तो फिर सेशल्स ज़रूर मस्ट है, अपने बकेट लिस्ट में आप रख सकते हैं। और लास्ट मैं जो बिना मतलब इंक्लूड नहीं 10 में इंक्लूड नहीं किया हूँ, लेकिन विदाउट मेंशनिंग इट मैं मेरा लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा, वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। हाँ जी हाँ, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक रेलवे जर्नी है, लेकिन ये जर्नी जो है वो एक ट्रैवल एक्सपीरियंस से कम नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे शुरू होता है मॉस्को से और ख़त्म होता है व्लादिवोस्तोक तक, लेकिन मैं जो रूट, ये जो मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है, ये करीब 9,300 किलोमीटर का टूर है, टोटल जर्नी है। लेकिन मैं जो रूट कवर करना चाहता हूँ वो है मॉस्को टू बीजिंग। मॉस्को से लीव करता है, उसके बाद साइबेरिया, साइबेरिया से मंगोलिया, गोबी डेसर्ट को कट करते हुए ट्रेन चाइना बीजिंग में इंटर होता है। टोटल 7,300 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स का जर्नी है, 6 नाइट्स करीबन लगता है इस जर्नी में। अगर स्टॉप ओवर की बात की जाए तो मैं 2 स्टॉप ओवर ज़रूर लेना चाहता हूँ, एक साइबेरिया इरकुट्स में जो फेमस फॉर इट्स बाइकल लेक, बाइकल लेक में ज़रूर देखना चाहता हूँ। और नेक्स्ट है मंगोलिया कैपिटल उलन बटर, क्योंकि मंगोलियन कल्चर में एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ वो नोमैडिक कल्चर, एंड गोबी डेजर्ट को भी थोड़ा टच करना चाहता हूँ, इसीलिए 2 स्टॉप ओवर मैं लेना चाहता हूँ। और ये जो ट्रेन जर्नी है ये ज़रूर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताइए आप लोगों के ट्रैवल पैकेट बकेट लिस्ट में क्या क्या है, कौन कौन सी प्लेसेस है। हो सकता है वो प्लेसेस से मैं भी इंस्पायर्ड हो जाऊँ, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों का एक्सपीरियंस जानना, मैं भी इंस्पायर होता हूँ आप लोगों के एक्सपीरियंस से, आप लोगों के सजेशन से। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।